गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का श्री समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट की ओर से संचालित की जाने वाली ऑनलाइन क्लासों में। अपन बात कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनजीओस पर में प्लांट्स वाली जो अपनी यूनिट थी उसका चैप्टर नंबर 2 अब से पहले अपन ने कंप्लीट कर लिया था। हमने दूसरे चैप्टर के साथ साथ ये सब चीज़ें पढ़ ली थी कि किस तरह मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स का निर्माण होता है। हमने नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद के परिवर्तन की प्रक्रियाओं को और उनके निर्माण की प्रक्रियाओं को समझ लिया था। अब अंत में हमने ये देखा था कि नर युग्मकोद्भिद में नर युग्मकों का और मादा युग्मकोद्भिद में मादा युग्मकों का निर्माण होता है। हम जानते हैं कि अब इन युग्मकों का आपस में संलयन होना आवश्यक है, युग्मकों का आपस में एक दूसरे से जुड़ना आवश्यक है। इसी क्रम को अपन आगे बढ़ाते हुए अपन इसी फर्स्ट यूनिट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स का चैप्टर नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। और अपना जो चैप्टर तीसरा है वो है पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। पोलिनेशन का मतलब परागण, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन और एंडोस्पर्म यानी भ्रूण कोष और एम्ब्रियो यानी भ्रूण का परिवर्तन। तो आज का अपना जो चैप्टर शुरू हो रहा है वो है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3। अब देखो जैसे हम एक पुष्पीय पादप की बात करें, हम किसी भी पुष्पीय प्लांट की बात करें तो उसमें हमने देख लिया था कि परागकण होते हैं ये नर युग्मकों का निर्माण करते हैं और जो भ्रूण कोष होते हैं ये मादा युग्मकों का निर्माण करते हैं। नर और मादा दोनों ही युग्मक अगतिशील होते हैं, दोनों में किसी प्रकार की कोई गति संभव नहीं हो पाती स्वतः। दोनों अगर स्वतः ही गति नहीं कर पाते तो इनको आपस में जुड़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। भाई ये तो हमें पता है कि जब दोनों एगुणित युग्मक एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तभी द्विगुणित जायगोट बनेगा। अब चूंकि दोनों ही अगतिशील हैं तो इसके लिए इनको इनकी गति में सहायक कोई ना कोई गति के लिए कोई ना कोई माध्यम सहायता करेगा या कोई ना कोई ऐसी विधि या प्रक्रिया संपन्न होगी जिसकी वजह से ये जुड़ पाएंगे। तो दोनों अगतिशील युग्मकों को पास पास लाने के लिए, दोनों अगतिशील युग्मकों के आपस में जुड़ने के लिए जिस प्रक्रिया को काम में लिया जाता है या जो प्रक्रिया जिस प्रक्रिया के कारण ये संपन्न होती है प्रोसेस, उसी प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं, पोलिनेशन कहते हैं। देखो निषेचन की प्रक्रिया में युग्मकों का संलयन होता है। भाई अब से पहले हमने छोटी क्लासों में निषेचन के बारे में पढ़ा है या पूर्ववत क्लासों में निषेचन पढ़ा है। निषेचन के प्रोसेस में हमने ये पढ़ा है कि नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है, नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है, उनके जुड़ने की प्रक्रिया निषेचन है। तो निषेचन की प्रक्रिया में युग्मकों का क्या होता है, संलयन होता है। दोनों युग्मक एक दूसरे के संपर्क में आके एक दूसरे से जुड़ जाते हैं उनके केंद्र। युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया के लिए जिस क्रियाविधि का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, परागण कहा जाता है। मैं शुरू से यहाँ रिपीट कर देता हूँ, पुष्पों के अंदर परागकण नर युग्मक बनाते हैं, भ्रूण कोष मादा युग्मक बनाते हैं। दोनों ही प्रकार के युग्मक अगतिशील होते हैं। निषेचन के लिए दोनों प्रकार के युग्मकों का संलयन होना जरूरी है। सेलेन की प्रक्रिया निषेचन ही तो है। तो इन युग्मकों के सेलेन की प्रक्रिया के लिए जिस क्रियाविधि का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, परागण कहा जाता है। अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म प्लांट्स की तो एंजियोस्पर्म प्लांट्स में जो परागण की क्रिया है ये निषेचन की क्रिया से पहले संपन्न होती है। निषेचन की प्रक्रिया में युग्मकों का सेलेन होता है और परागण का मतलब होता है कि युग्मकों किसी एक युग्मक को गति या किसी माध्यम के द्वारा दूसरे युग्मक के पास पहुंचाना। तो एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर जो निषेचन होता है उससे पहले ही कौन सी प्रोसेस संपन्न होती है, परागण की प्रोसेस संपन्न होती है। अगर हम बात करें परागण की प्रक्रिया की तो यह एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दोनों ही प्रकार के पादपों के अंदर परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। एंजियोस्पर्म प्लांट्स की बात करें तो उनमें जो परागण की प्रक्रिया है ये 2 या 3 कोशिकीय अवस्था में संपन्न होती है। जैसे हमने पहले पढ़ा था, हमने नर युग्मकोद्भिद के अंकुरण की बात करी थी, मतलब पर अंकुरित परागकण को क्या कहा जाता है, नर युग्मकोद्भिद कहा जाता है, जो आगे चलकर नर युग्मक बना रहा है। जब परागकोष का स्फुटन होता है तो परागकोष के स्फुटन से परागकण निकलकर बाहर आ जाते हैं। परागकोष के स्फुटन से परागकण क्या होते हैं, निकलकर बाहर आ जाते हैं। तो जब परागकोष का स्फुटन होता है तो लगभग 60% एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर तो उस टाइम जो परागकण है वो 2 कोशिकीय अवस्था में ही मौजूद होता है, जो युग्मकोद्भिद बनता है वो 2 कोशिकीय अवस्था वाला होता है।
लेकिन 40% एंजियोस्पर्म प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें जनन कोशिका पहले ही डिवाइड होकर, प्राकोष के स्पुटन से पहले ही जनन कोशिका डिवाइड होकर तीन कोशिकीय अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है। जनन कोशिका डिवाइड होकर दो केंद्रक बना लेती है तो दो दो उसमें नलिकुंभ बन जाते हैं और एक होती है काई कोशिका। तो 40% एंजियोस्पर्म प्लांट्स में तो तीन कोशिकाओं की स्थिति के अंदर स्पुटन होता है और 60 यानी अधिकांश एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर जब प्राकोष का स्फुटन होता है तो एक जनन कोशिका और एक कायिक कोशिका दो कोशिकीय अवस्था में ही स्फुटन होता है। अब ये कुछ सामान्य बातें हमने पोलिनेशन के बारे में पढ़ी। अब हम पोलिनेशन की परिभाषा पढ़ रहे हैं, परागण कहते किसे हैं। परागकणों का, देखो जब प्राकोष का स्फुटन होता है तो प्राकोष के स्फुटन होने के बाद परागकण प्राकोष से निकलकर वातावरण में मुक्त हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं निकलकर, क्योंकि स्वतः परागकण वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच पाएंगे। वर्तिकाग्र मादा जननांग का भाग है, मादा जननांग हमने कार्प में पढ़ा था, उसे का सबसे जो ऊपर वाला भाग है जो परागकणों के लिए एक मंच की तरह काम करता है वो वाला भाग वर्तिकाग्र है। तो परागकणों को वर्तिकाग्र पर पहुंचना होगा, किसके पास पहुंचने के लिए, मादा युग्मक के पास पहुंचने के लिए। तो जब परागकोष का स्फुटन होता है तो परागकणों का परागकोष से मुक्त होकर जायांते वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, परागण कहा जाता है। एक डेफिनेशन तो अपन ये दे सकते हैं कि जब परागकोष स्फुटित होगा तो परागकोष के स्फुटन से परागकण निकलकर बाहर आ जाएंगे और ये परागकण किसी भी माध्यम की सहायता से स्वतः गति नहीं करते हैं, ये वायु के द्वारा जा सकते हैं, जलीय पादपों में जल के द्वारा जा सकते हैं, बहुत सारे जो फूलों पर कीट पतंगे घेंगे मक्खियाँ ये सब जो भिनभिनाते रहते हैं उनके शरीर से चिपक कर ये वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कई कारकों की सहायता से ये परागकण प्राकोष से स्फुटित होने के बाद या निकलने के बाद वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। तो परागकणों के वर्तिकाग्र पर पहुँचने की इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, परागण कहा जाता है। दूसरी परिभाषा ये भी दे सकते हैं कि परागकणों का परागकोष, परागकणों का परागकोष से निकलकर, परागकोष से निकलकर एक ही पुष्प या एक ही प्रजाति के दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, परागण कहा जाता है। एक ही पुष्प ये अपन इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे पुष्प ऐसे हैं जो द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंग का मतलब जिनमें नर और मादा दोनों जननांग एक ही पुष्प में मौजूद होते हैं, ठीक है। कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो एकलिंगी होते हैं, नर और मादा दोनों में से किसी एक ही जननांग को वो क्या करते हैं, धारण करते हैं। तो जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं उनमें परागकोष के स्फुटन से निकलने वाले परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं। या ऐसा न होकर ऐसा भी हो सकता है कि जो एकलिंगी पौधे वे पौधे जो एकलिंगी पुष्प धारण करते हैं, या कई बार पौधों पर नर और मादा पुष्प एक ही पौधे पर अलग अलग स्थिति पर मौजूद होते हैं। तो एक पौधे के ऊपर स्थित पुष्प के परागकण निकलकर किसी उसी प्रजाति के उसके पास स्थित दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर चले जाए। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, परागण कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस प्रक्रिया को, परागण। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनेशन की, बात करते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनेशन का मतलब परागण के प्रकार। सबसे पहले हम अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग पोलिनेशन यानी परागण की बातें कर रहे हैं। अपन ने परागण के बारे में कुछ सामान्य बातें करी हैं जिनमें हमने उसकी परिभाषा पढ़ी है, उसके कुछ सामान्य प्रकारों के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे जैसे अपन चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे तो हम ये देखेंगे कि परागण की बात करने के बाद हम जैसे स्वपरागण और परपरागण, परागण की मुख्य विधियां हैं, इनके भी कुछ अन्य प्रकार हैं जिनके बारे में पढ़ने के बाद, स्वपरागण के अनुकूलन क्या है, किस किस कारण से स्वपरागण संपन्न हो पाता है, परपरागण क्या है, परपरागण के अनुकूलन क्या है, परपरागण के लिए कौन कौन सी विधियाँ काम में आती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे आगे डिस्कस विस्तृत रूप से डिस्कस करेंगे। अगर हम टाइप्स ऑफ पोलिनेशन यानी परागण की प्रक्रिया प्रकारों की बात करें तो परागण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है सेल्फ पोलिनेशन जिसे कहा जाता है स्वपरागण, और एक होता है क्रॉस पोलिनेशन जिसे कहा जाता है परपरागण। तो मुख्य रूप से परागण कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार, एक स्वपरागण और दूसरा परपरागण। अगर हम बात करें स्वपरागण की तो यह दो प्रकार का होता है। स्वपरागण भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। पहले हम इसकी परिभाषा कुछ इस तरीके से दे सकते हैं, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं
तो इस प्रक्रिया को स्वपरागण कहा जाता है। दोबारा सुने, मैं रिपीट कर रहा हूं, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प की वृत्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, स्वपरागण कहा जाता है। अगर हम बात करें परपरागण की, इसकी विधियों को हम बाद में देख रहे हैं अभी, अगर हम बात करें परपरागण की, तो जब एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी प्रजाति के दूसरे पौधे के पुष्प की वृत्तिकाग्र पर जाएं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, परपरागण कहा जाता है। अपन डायग्राम बनाकर कुछ इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। देखो मैं इसको यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ देखो आप, जैसे मान लो ये अपने पास एक पौधा है, ये अपने पास एक पौधा है, इसके ऊपर ये पुष्प है, इसके ऊपर ये पुष्प है। अब मान लो इस पौधों पर, इस पौधे पर लगे हुए पुष्प के अंदर नर और मादा दोनों प्रकार के जननांग मौजूद है। नर और मादा दोनों ही प्रकार के जननांग इस पुष्प में मौजूद है। अब इस पुष्प के अंदर परागकोष का स्फुटन हुआ, उससे परागकण मुक्त हो गए और निकलने वाले परागकण इसी पुष्प की वृत्तिकाग्र पर चले गए। एक स्थिति में क्या देखने को मिली कि एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वृत्तिकाग्र पर जा रहे। अब दूसरा डायग्राम अपन ऐसे देख रहे हैं, देखो ये एक पौधा है, इसके ऊपर ये पुष्प है और इसके ऊपर ये पुष्प है। अब हुआ क्या, इस पौधे के, इस पुष्प के परागकोष में स्फुटन हुआ, इस पुष्प के परागकण निकलकर इसी पौधे के दूसरे पुष्प के वृत्तिकाग्र पर चले गए। हालांकि दूसरे पौधे की बात नहीं कर रहे, एक पौधे पर उपस्थित एक पुष्प के परागकण उसी पौधे पर उपस्थित दूसरे पुष्प के वृत्तिकाग्र पर चले जाते हैं। यहां पर तो परागकण पुष्प की पुष्प में ही जा रहे थे, एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वृत्तिकाग्र पर। दूसरे डायग्राम में हमने क्या देखा कि एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वृत्तिकाग्र पर जा रहे हैं। इस तरह दोनों ही स्वपरागण के मेथड है, दोनों में ही क्या हो रहा है, स्वपरागण। जब तक ये प्रक्रिया एक ही पौधे पर संपन्न हो रही है तब तक ये स्वपरागण है। देखो अब इसकी मुख्य दो विधियों को अपन, इस डायग्राम को अपन इसलिए समझाया ताकि इसकी दो विधियों के बारे में अपन समझ सके। सेल पोलिनेशन की एक विधि है ऑटोगैमी, इसे कहा जाता है स्वकयुग्मन, और दूसरी विधि है जिटेनोगैमी, इसे कहा जाता है सजात पुष्पी परागण। दूसरी विधि को क्या कहा जाता है, सजात पुष्पी परागण। अगर हम बात करें ऑटोगैमी की, स्वकयुग्मन की बात करें, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वृत्तिकाग्र पर जाए, यहां पर जो पोलिनेशन हो रहा है वो है ऑटोगैमी प्रकार का। एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वृत्तिकाग्र पर जा रहे हैं तब उसे क्या कहा जाता है, ऑटोगैमी कहा जाता है। इसका एक एग्जाम्पल है, वो है मटर। मटर के जो पुष्प होते हैं वो होते हैं क्रिस्टोथेलिक प्रकार के, मतलब पुष्प इस परागकोष के स्फुटन के समय में पुष्प के दल खुलते नहीं है। इसकी वजह से मटर में परागकोष के स्फुटन से निकलने वाले परागकण उसी पुष्प की वृत्तिकाग्र पर जाते हैं, तो वहां पर कौन सी प्रक्रिया देखने को मिलेगी हमें, ऑटोगैमी। दूसरे की बात करें हम जिटेनोगैमी या सजात पुष्पी परागण की बात करें, तो जब एक पुष्प के परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प की वृत्तिकाग्र पर जाए, एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वृत्तिकाग्र पर जाते हैं तो उसे जिटेनोगैमी या सजात पुष्पी परागण कहा जाता है। अगर हम जिटेनोगैमी की बात करें तो आनुवांशिक रूप से तो यह स्वपरागण है, आनुवांशिक रूप से तो क्या है, ये स्वपरागण है, लेकिन पारिस्थितिकी एवं कार्यात्मक रूप से अगर बात करें तो यह क्या है, वास्तव में परपरागण है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है मक्का और ककड़ी। जिटेनोगैमी में किसमें देखने को मिलेगी, मक्का और ककड़ी में देखने को मिलेगी। तो ये स्वपरागण के दो मेथड है। अब हम तीसरा डायग्राम बनाकर क्या देख रहे हैं, देखो तीसरी स्थिति पर क्या देख रहे हैं, ये मान लो एक पौधा है, ये हमारे पास एक पौधा है, ये पौधा है, इस पौधे के ऊपर ये पुष्प खिले हुए हैं और इसी प्रजाति का कोई दूसरा पौधा है, इसी प्रजाति का दूसरा पौधा है। तो हुआ क्या, इस पौधे के जो पुष्प के परागकोष में स्फुटन हुआ तो इस पौधे के पुष्प के परागकण निकलकर इसी प्रजाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प की वृत्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। तो ये जो स्थिति हमें देखने को मिल रही है इस स्थिति को कहा जाता है परपरागण। यहाँ पर जो प्रक्रिया संपन्न हो रही है वो अलग अलग पादपों के पुष्पों के परागकण और वृत्तिकाग्र पर संपन्न हो रही है। दोबारा देखो इसको रिपीट कर देता हूँ, जब एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी प्रजाति के दूसरे पौधे के पुष्प की वृत्तिकाग्र पर जाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, परपरागण कहा जाता है, और तकनीकी रूप से इसे सजात परागण या जिन्नोगैमी कहा जाता है। तो ये हमारे पास
परागण के बारे में या परागण के प्रकारों के बारे में कुछ अपने सामान्य बातें। अब हम बात करते हैं अपना जो आज के लिए अपन इस टॉपिक में कुछ सामान्य यही बात करते हैं। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक अपन बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपन जो बात करेंगे वो करेंगे स्वपरागण के लिए कौन कौन से अनुकूलन जरूरी है, परपरागण के लिए कौन कौन से अनुकूलन जरूरी है और परपरागण की विधियां क्या है, ये अपन बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।